कॉलेज पर लगाया छात्रवृत्ति हड़पने का आरोप। खबर आ रही उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से। एक युवक ने आज रिठौरा स्थित मस्कट कॉलेज पर फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति हड़पने का आरोप लगाते हुए एसएसपी डीएम से शिकायत की और कार्रवाई की मांग की है। पीलीभीत से गजरौला थाना क्षेत्र के सुहास निवासी प्रेमशंकर पुत्र परमानंद ने एसएसपी से शिकायत करते हुए बताया कि उसने सन 2014 में मस्कट इंस्टीट्यूट रिठौरा से प्रवेश के लिए आवेदन किया था। इसके बाद किन्हीं कारणवश उसने प्रवेश नहीं लिया और ना ही अपने प्रपत्र वापस लिए, जिसके बाद उसने नीट परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। 2018 में बाबू सिंह दद्दू जी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल कृष्णानगर धार कमलागंज फरुखाबाद में बीएएमएस में प्रवेश लिया। उसने जब वर्ष 2019 में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया तो पता चला सेम प्रूफ केस में छात्रवृत्ति दी जा चुकी है, जिसकी शिकायत उसने काला अधिकारियों से की तो उसे रिठौरा चौकी भेजा गया, जहां पर मस्कट कॉलेज ने उसके और उसके पिता के फर्जी हस्ताक्षर किए हुए प्रपत्र भी दिखा दिए, लेकिन उसने मस्कट कॉलेज को किसी प्रपत्र पर हस्ताक्षर करके नहीं दिए थे। इतना ही नहीं, चौकी पर उसके नाम की पीजीडीएम कोर्स के दिनों वर्षों की अंक तालिका भी दिखा दी गई, जबकि उसने किसी प्रकार की कोई पढ़ाई या परीक्षा मस्कट कॉलेज से नहीं की थी। इस प्रकार से मस्कट कॉलेज में जिसकी छात्रवृत्ति फर्जी तरीके से हड़प ली, उसने एसएसपी से घटना की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। भैया क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम प्रेमशंकर है। आज कैसे हैं? वो क्या बजे? एक मास्को कॉलेज पढ़ता है रिठौरा के अंदर, उसने हमारे नाम से फर्जी मार्कशीटें और फर्जी स्कॉलरशिप निकाल के सब हड़प कर लिए, जबकि हमने ना कोई वहाँ से पढ़ाई करी है और ना ही कोई वहाँ से स्कॉलरशिप प्राप्त करी है। किस सन की बात है ये? सन 2015-16 में पीजीडीएम कोर्स में उन्होंने निकाली है। अच्छा। और मैं इस समय प्रेजेंट टाइम में बीएमएस कर रहा हूँ फरुखाबाद से। जी तो वहाँ पे हमने आपको कैसे ज्ञात हुआ? ज्ञात किया हमने वहाँ पे जब स्कॉलरशिप के फॉर्म भरा सन 2019 में, तो वो हमारा कैंसिल हो गया, निरस्त कर दिया गया। जब निरस्त का हमने कारण जाना तो उसमें कह दिया कि तुम पहले स्कॉलरशिप ले चुके हो इससे पूर्व कोर्स करके, तो हमने कहा हमने तो कोई पढ़ाई नहीं करी अभी तक इस तरह की। तो हमने जाके ऐसे पता लगाते लगाते कोरोना काल में जैसे जैसे अपने समाज कल्याण पीलीभीत से पता लगाया, जब हमारा हाईस्कूल का रोल नंबर पड़ा वहाँ पे तो मास्कोट कॉलेज का नाम आ गया है कि उनने तुम्हारे साथ ऐसा करा है। फिर हम मास्कोट कॉलेज गए, हमने कहा सर हमने जब आपके यहाँ से कोई पढ़ाई नहीं करी है तो हमारे नाम से स्कॉलरशिप कैसे निकाल लिया आपने? और कैसे? तो उनने अपना रिकॉर्ड देकर बोला तुम्हारे नाम से हमारे यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्हें साफ मना कर दिया, तीन चक्कर उन्हें लगवाए हमसे। आपने एग्जाम भी दिया? नहीं, कोई एग्जाम नहीं दिया मैंने। जब मैंने वहाँ पढ़ाई नहीं करी, खाली मैं एडमिशन लेने गया, मैंने अपने जो जीरोक्स कापी होती है उन पर साइन करके दिए, फिर साइन करके दिए, उनने कहा कि खाता खुलेगा तुम्हारा मतलब उसकी छात्रवृत्ति के लिए, तो वो भी मैंने करे थे। मार्कशीट भी मिली? मार्कशीट बाद में अब जाके थाने में से मिली है मुझे, जब मैंने केस चालू किया तो थाने से मुझे दी गई रिठौरा चौकी से, जबकि मुझे इन सब चीज़ों का ज्ञात नहीं था अभी तक। क्या करना चाहते हैं? कुछ नहीं, मेरे साथ अन्याय किया जाए